जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं जिला बागपत उत्तर प्रदेश में। यहां पर राम पांडे भाई हैं जो पिछले एक साल से देसी पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर RIR और कड़कनाथ ब्रीड पर काम कर रहे हैं। ये पहले जॉब करते थे लेकिन अब ये यहाँ पर देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो चलिए आपको मिलवाते हैं राम पांडे भाई से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग के अनुभव के बारे में। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको नमस्कार और आपके प्रिय दर्शकों को नमस्कार। सर मेरा नाम राम पांडे है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। ये हमने यूपी में अपनी फार्म ले रखी है, बागपत डिस्ट्रिक्ट में है जी, खेगड़ा से निकट ही है साकरोत गांव। तो पांडे जी आप जो ये फार्म अपना चला रहे हैं कितना समय हो गया आपको? सर ये मेरा फार्म चलाते साल भर के करीब हो गया है जी। एक साल? जी जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम जॉब करते थे जी, ट्रेडर के पास थे हम, एक्सपोर्टर के पास जी, तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे और हमारा सिक्योरिटी एजेंसी का भी काम था। तो मुर्गी पालन में कैसे आए? सर हमें पहले से ही था कि हम कुछ टाइम बाद बिजनेस करेंगे, लेकिन जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में हमें कुछ कुछ दिक्कतें आ गई जी, सबको दिक्कत आई हमें भी दिक्कत आई जी। तो उस वजह से हमारा विचार एकदम से बनने लगा कि हम अब बिजनेस में ही आएंगे, तो हमने इसको चुना जी। तो कौन सी ब्रीड से काम शुरू किया था आपने? हमने कड़कनाथ और देसी बर्ड से हमने चालू किया, RIR से जी। एक दिन का बच्चे लाए थे सर। क्या रेट में लिया था बच्चा आपने? हमने 37 रुपये कड़कनाथ लिए थे, 34 रुपये हमने वो लिए थे RIR लिए थे जी। जी जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े एरिया में आपका फार्म है बना हुआ, ये कितना एरिया है? ये सर जो हमारा फार्म बना हुआ है ये 4,500 स्क्वायर फीट है, 150 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ाई है इसकी। बाकी हमने जो ज़मीन हमारी है 3.5 बीघे में है जी। तो ये जो शेड बनाया आपने इसमें कितना खर्चा आया आपका? इसमें 5.5 लाख के ऊपर ही आ गया है जी खर्चा जी। अच्छा लंबाई चौड़ाई क्या बताई आपने इसकी? 150 फीट लंबाई है, चौड़ाई है 28 फीट। ये जो आपकी ज़मीन है ये अपनी है? नहीं सर हमने लीज पे ले रखी है इनको। लीज पे ली है? जी जी जी। कितने साल के लिए ली है? हमने 25 साल के लिए ले रखी। तो इतना खर्चा क्यों किया आपने इस पे? सर लॉन्ग टाइम काम करना है तो हमने सब सोच के कि आगे इसी में हमें काम आगे बढ़ाना है सब चीज़ करके। तो अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म पर? हमारे पास 1300 बर्ड है जी, अभी कुछ हमने सेल भी करे जी। हमारे पास 1500-1600 बर्ड थे तो हमने 250-300 बर्ड सेल भी किए हमने। कड़कनाथ कितने हैं और RIR कितने हैं? कड़कनाथ अभी जी 450 बर्ड तो हमारे अंडे पे आ रखे, बाकी अभी जो हमने पहले से पाल रखे थे वो अभी अंडे पे नहीं आ रखे, वो अभी आने वाली है, 2-4 दिन में आया 10 दिन में आया जो भी है वो आने वाली है। और RIR भी है वो भी अंडे पे अभी नहीं आई है, आने ही वाली है वो भी। तो ये 450-450 बर्ड तो हमारे अंडे पे आ रखे हैं जी, बाकी जो अंडे पे नहीं आए हैं वो 700 के करीब है। 700 बर्ड? हाँ। मेरा सवाल अब भी वही है, कड़कनाथ कितने और RIR कितने हैं? ये है जी हमारे 800 बर्ड तो हमारे कड़कनाथ है जी, जी 500 बर्ड है RIR है। तो फीड में क्या दे रहे हैं आप इनको? फीड में हम अभी तो हम लेयर फीड चला रहे हैं, पहले हम इनको स्टार्टर फ्री स्टार्टर ये सब चलाए थे, अभी हमने जैसे एग पे आ रखे हैं और जो नहीं भी आ रखे हैं उनको भी हमने अभी क्योंकि 2-4 दिन का टाइम है तो हमने लेयर फीड ही चला रही है। अब सारे लेयर फीड पे पल रहे हैं आपके? हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए अब तो बड़े बर्ड हो गए हैं जी जी, कितना फीड खा जाती है एक मुर्गी? ये हम इनको दे रहे हैं 100-125 ग्राम के करीब आसपास, कभी वैसे तो नहीं हमने नापा तोला नहीं, लेकिन इतने ही खा रहे हैं जी, लगभग 100-125 ग्राम खा जाते हैं। हाँ जी खा जाते हैं जी। तो फीड कंपनी का फीड दे रहे हैं आप, खुद तैयार करते हैं? हाँ कंपनी का ही है जी। अच्छा क्या रेट पड़ रहा है फीड आजकल? ये हमारे 2600 के पड़ रहा है जी लेयर फीड। 2600 का है? जी जी जी। अच्छा इसके अलावा आप क्या क्या देते हैं और इनको? हमने इसे सर्दी के टाइम लहसुन भी दिया, हल्दी भी दी, अभी भी दे रहा हूँ, अभी 10 दिन पीछे ही दिया था हमने, प्याज व्याज डालता हूँ मैं,
ग्रीन घास हमारा लगा हुआ है, ग्रीन घास भी डाल देता हूँ मैं इनको, बरसीम हो गई ये सब मैं डाल देता हूँ नॉर्मली। तो हल्दी और लहसुन क्यों डालते हैं? सर गर्म रखता है उससे थोड़ा सा, हर कोई बोलता है अच्छा रहता है लहसुन वगैरह से, ठंड नहीं लगती। बाजरा भी हम खवाए पीछे, ठंडी ज़्यादा थी जी, तो कुछ तो ये हमारा खेत में हमने एकदम जंगल में आ रखे हैं तो ठंड वगैरह, तो इस वजह से हमने बाजरा वाजरा भी डाली हमने जी। अच्छा ये बताइए जब से आपने शुरू किया है जी जी जी, कोई हारी बीमारी? नहीं हारी बीमारी वैसे तो है नहीं, ना तो कड़कनाथ में है ना आ रहा यार मैं जी, जी वैसे नहीं है। अब 2-4% 5% का तो कुछ कह नहीं सकते आप उसको, 2-4 वो बच्चे में जब हम एक दिन का चूजे लाए थे तो उसमें मोर्टिलिटी होती है थोड़ी बहुत। आप कोई मल्टीविटामिन कैल्शियम वगैरह भी देते हैं इनको? हाँ कैल्शियम भी दे रहे हैं जी, और जो एग पे आ रखे हैं उसको हमने कैल्शियम दे रहे हैं, एग फार्मूला दे रहे हैं, और वेरामिल कर आती है जी वो भी हम दे रहे हैं, मल्टीविटामिन वो देते हैं जी जी। अच्छा जैसे सर्दी चल रही है जी, सर्दियों में कोई खास इंतजाम किया आपने इनके लिए? हाँ हमने पर्दे लगा रखे चारों तरफ से जी, हीटर वीटर का इंतजाम था इनके लिए, और बाकी तो सब सही है जी। सर्दियों के लिए तो हमने चारों तरफ से इसको हमने रस्सी से भी कवर कर रखे हैं, सारा बांध देते थे जी। अभी हमने धूप लगती है हवा, इस वजह से इस वजह से हमने इनकी ऊपर कर रखी, मतलब दिन में पर्दे हटा देते हैं। हाँ जी हाँ जी, और रात को पर्दे गिरा देते जी जी जी, रात में गिरा देते ताकि जो गैस वगैरह है वो निकल जाए जी। अच्छा ये बताइए आप मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं ये भी दे रहे हैं जी, और क्या क्या करते हैं आप, सफाई कैसे रखते हैं आप अपने फार्म की? सफाई तो हम हफ्ते दिन में, 5 दिन में 6 दिन में बराबर झाड़ू वगैरह बीट हम इनको बाहर फेंक देते हैं जी। हमारा बहुत बड़ा लैंड है सर, तो हम बाहर फेंक देते हैं। बाकी हम बाड़े को तो सफाई रोज ही करते हैं नॉर्मली, जो साफ सफाई होती है, लेकिन बिल्कुल क्लीन जैसे होता है ना, हमने मिट्टी को भी उधेड़ के फड़वे से हमने अल्टा पलटी, तो वो मैंने हफ्ते 4-5 दिन में हम मिट्टी को भी खोदते हैं। मिट्टी को 4-5 दिन में हम खोद देते हैं जी, बराबर कर देते हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपके पास अंडे तो आ रहे हैं ठीक ठाक जी जी, और आ रहा यार ब्रीड समझ में भी आती है, अच्छे खासे अंडे देती है जी जी। तो आपने कड़कनाथ क्यों चुना? सर कड़कनाथ आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करी, कड़कनाथ एक चैलेंजिंग है, ये एमपी का मध्य प्रदेश झाबुआ जिला का ये है जी, वहाँ के जंगलों में पहले पाई जाती थी, आजकल जो जिम बिम करते हैं भाई बॉडी वगैरह उनको ये चाहिए। दूसरी बात है और मुर्गों से ये मुर्गे में काफ़ी प्रोटीन वगैरह काफ़ी मात्रा में पाई जाती है इनकी जी, जैसे वॉयलर है, RIR है, इनमें जो आजकल के जो जर्दी होती है उनको लोग बाग फेंक देते हैं, इनकी जो जर्दी होती है जैसे हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनके लिए बहुत कारीगर है, मतलब बहुत फ़ायदे हैं उनको, तो इसलिए हमने चुना। दूसरी बात हम दिल्ली में रहते हैं सर, तो दिल्ली में हमने सोचा कि जब ले रहे हैं तो दिल्ली में हमारी मार्केट चल जाएगी, और चल भी रही है हमारी मार्केट, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा अब बात करते हैं एग प्रोडक्शन की जी, अभी कितने अंडे आ रहे हैं रोज़ आपके फार्म पर? 150 से 200 के करीब आ जाते हैं जी जी, हमारे पास रोज के ही आ रहे हैं। तो अभी कितनी मुर्गियां अंडे दे रही हैं? 400 बर्ड है जी, 400 एग पे जो आ रखे हमारे। लेकिन बर्ड तो आप ज़्यादा बता रहे हैं ना। बर्ड सर अभी जो हमने पाल रखे ये हमने बड़े बर्ड लिए थे जी जी, जो हमने एग पे आ रखे हैं वो हमने बड़े बर्ड लिए थे कि ताकि हमारी मार्केट पकड़ा जाए ठंडी में, तो हमने इस वजह से हमने इनको बड़े बर्ड लिए थे, बाकी जो हमने पाल रखे हैं वो आने वाली है। अच्छा फार्म आपके फार्म पर 1300 बर्ड आप बता रहे हैं जी, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है जी, कैसे मैनेज करते हैं आप? सर लेबर पे तो हम विश्वास नहीं रखते, हम खुद ही कर लेते हैं जी, हमने खुद ही कर लेते हैं, एक हमारे रिलेटिव में है वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, दोनों भाई मिलके हम खुद ही कर लेते हैं। अच्छा अंडे आ रहे हैं, मार्केट कैसे कर रहे हैं आप इनकी? मार्केट अच्छी है जी, अपना डोर टू डोर घर घर, कड़कनाथ के तो आपको बताना पड़ेगा मार्केट, ऐसे कोई कड़कनाथ वैसे नहीं खाएगा कोई, हम डोर टू डोर जा के हमारे, जैसे आपको बताया ना सिक्योरिटी एजेंसी भी चलती है जी, तो हमारी वहाँ से पहचान थी पहले से भी, हम जहाँ जॉब करते थे वहाँ भी हमारी पहचान थी जी, तो ऐसे हम डोर टू डोर जा के हमने उनको 6-6 पीस के हमने पैकेट ऐसे अपनी पैकिंग बना रखे, हमारे फार्म के नाम से ही बना रखे जी, तो हमने उनको भाई बंधु को हमने दिए वैसी डिलीवरी दी कि खा के देखो, अगर अच्छे लगेंगे तो ठीक है पैसे दे देना, नहीं तो नहीं देना, ऐसे भी हमने करे जी, तो उनको अच्छे लगे फिर रिपीट ऑर्डर आने लगे जी,
बाकी हमने सप्लायर भी बागपत भी हमने मार्केटिंग कर रखी है, इधर दो चार और है रटोल वगैरह है उधर भी हमने अपने अंडे दे रखे हैं, दिल्ली में हमने दे ही रखे हैं, 24 में दे रखे हैं, रिलायंस में दे रखे हैं, मॉल में दे रखे हैं जी, तो ऐसे कई जगह हमने दे रखे हैं जी, तो वहाँ से सप्लाई हो रही है हमारी। जिनको आपने डोर टू डोर दिए जी, जी वहाँ से आपको रिपीट ऑर्डर मिले? हाँ आ रहे हैं सर, ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से जी, हाँ ठीक ठाक ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा मैं कई फार्म पे जाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ जिसमें देसी बर्ड वाले भी होते हैं, आप दिल्ली NCR में बैठे हैं जी जी, लोगों को देसी अंडे और कड़कनाथ के अंडे मिल नहीं पाते हैं जी जी, तो यदि किसी भाई को ज़रूरत हो और वो आपसे संपर्क करे तो आप उनको क्या प्रोवाइड कराएंगे? जी बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, घर तक पहुँचाएंगे सर, अगर कोई ऑर्डर करेंगे तो हम होम डिलीवरी हमारा हम खुद जाके पहुंचाएंगे। मतलब आप जहां पे वो बैठे हैं आप उनको वहां प्रोवाइड करा सकते हैं? जी जी बिल्कुल पहुंचाएंगे सर। अच्छा भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य के इसी को लेके जाना है जी, आगे लेके जानी है मुझे। किस स्तर तक? तो भगवान मालिक है, हम तो चाहते हैं कि बहुत बहुत बड़ा फार्म हो, बड़ा नाम हो मेरा, बाकी आगे आगे चला ही रहे हैं सर, आगे तो हमारी कोशिश है कि अगले साल अगर आप आइएगा तो इससे डबल ही मिलेगी, ट्रिपल ही मिलेगी आपसे जी। दर्शकों यहाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इन भैया ने शुरू किया, बड़े लेवल से शुरू किया है, इन्होंने 1100 बर्ड से शुरू किया था और ये लीज की ज़मीन है। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि यदि आप करना चाहते हैं तो पहले आप छोटे लेवल से शुरू करें, लीज की ज़मीन पर इतने बड़े लेवल पर करना मेरे को सही नहीं लगा। इन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, लीज की ज़मीन पर इन्होंने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कर डाली जो मेरे को तर्कसंगत नहीं लगा। यदि आपको करना है तो आप छोटे लेवल से शुरू करें, 100 बर्ड से 200 बर्ड से शुरू करें और पहले अपनी मार्केट बनाएं, यदि आप बेच ना पाए तो प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा। इन्होंने भी बेचने के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो ये थे हमारे साथ में राम पांडे जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में अपने अनुभव साझा किए और इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।